नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। हर बार जब प्रॉब्लम मेरे सर पर बैठकर हिप हॉप करती है, उसके बाद ही मैं सोचता हूं कि मैं यहां फंसा कैसे। मेरी लाइफ डेंजर में है। ऐसा पहली बार नहीं, पर मेरी रेकलेसनेस से लाइफ खोने का डर पहली बार हुआ। मेरी लाइफ एक पॉइंट के बाद आप खेलना चाहो या नहीं, लाइफ कोई ऑप्शन ही नहीं देती। तुम लोगों को गेम खेलना बहुत पसंद है ना? लेट्स प्ले। अगले 15 मिनट में ये पॉइजन इसके दिमाग तक पहुंच जाएगा। से हॉस्पिटल भी 15 मिनट की दूरी पर है। अब तेरे पास इसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट है। एंड बी केयरफुल, अगर ये सो गई तो हमेशा के लिए सो जाएगी। गेम ऑन कबीर सयाल। अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तुझे भी वही एहसास दिलाना चाहता हूं। जैस की मौत एक एक्सीडेंट थी। जैस के सीने में गोली लगी थी, पर मेरे पास कोई गन नहीं थी। ये वक्त झूठ बोलने का नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने जैस पर गोली नहीं चलाई थी। गोली मैंने इसी गन से चलाई थी डीजी अंकल। आ, 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 आ,
हैप्पी जर्नी टू हेल डीजी अंकल। तो डीजी के कुत्तों, ईमानदारी से अपने वेपन्स नीचे रख दो या इनके साथ ऊपर जाओ। आई एम द न्यू किंग। प्रीत, वेक अप प्रीत। भाग कबीर भाग, तेरे पास सिर्फ 14 मिनट है और मेरे आदमी बहुत ज्यादा। देखता हूँ कैसे बचाएगा इसे। गेम ऑन कबीर से आज। गोली आग में क्यों डाली? क्योंकि स्कूल में फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। देखा प्री, तू अगले 13 मिनट ले सोएगी। गेम ऑन। कितना खेलना है? आखिरी बार भी जीतते नहीं देगा? ये आखिरी बार नहीं है। प्रीत, प्रीत, अच्छा हम पिक्चर देखे क्या? हाँ, स्वर्ग में थिएटर है क्या? ओए, तुझे स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो तुझे बोल दूंगी। कबीर, मुझे स्वर्ग में भेज के दिखा। गेम ऑन। उसके लिए मुझे भी मरकर ऊपर आना पड़ेगा। तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? साली कमीनी, मैं तुझे बचा रहा हूँ और तू मुझे ही डेथ रिक्वेस्ट भेज रही है। लास्ट विश है कि तुम मुझे किस करो और यहाँ छोड़कर चले जाओ। भागने की बात तो मैंने अपने बाप की भी नहीं सुनी। कभी इफ यू लव मी तो तुम ऐसा ही करोगे। प्लीज दैट मींस यू डोंट लव मी। कभी उतना प्यार नहीं करता कि तेरी हर बात मानो।
नहीं आता, तुम ये हॉर्न बजाना बंद नहीं करोगी? गेम ऑन। के बाद तेरे हाथ का राजमा चावल खाना। बहुत कुछ करना था, सब बाकी रह गया। साला, पूरी जिंदगी या तो हम खुद से लड़ते रहे या दुनिया से। ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारा सौतेला बाप है प्रीत। तो हम डेफिनेटली बहुत कुछ करेंगे, शादी करेंगे, हनीमून पर जाएंगे। कमीने, कभी डेट पे नहीं ले गया और सीधे शादी की प्लानिंग। कमीनी, हम 6 साल की उम्र से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या है? I love you कबीर से यार। Love you too।